वर्ल्ड कप से पहले बढ़ी रोहित शर्मा की टेंशन। T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक टीमें हैं और इन टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी भी शामिल हैं। लेकिन अब रोहित शर्मा की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में हो गई है भारत के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री। कौन है ये टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि टीम इंडिया अपने मिशन वर्ल्ड कप की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। और जिस तरह भारत ने बुमराह की जगह मोहम्मद शमी को T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान ने भी अपनी वर्ल्ड कप की टीम में बदलाव कर दिया है। पाकिस्तान की टीम में भी हुआ बदलाव। जैसे भारत की टीम में बुमराह की जगह मोहम्मद शमी की एंट्री हुई है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान की टीम में चोटिल उमरान कादिर की जगह एक धाकड़ बल्लेबाज को शामिल किया गया है। और ये धांसू बल्लेबाज भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है क्योंकि ये खिलाड़ी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस्मान कादिर की जगह पाकिस्तान की टीम में स्टार बल्लेबाज फकर जमा को शामिल किया है। इससे पहले फकर जमा को रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार किया गया था। अब बात आती है कि फकर जमा भारत के सबसे बड़े दुश्मन कैसे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। भारत के खिलाफ बनाए खूब रन। फकर जमा की गिनती दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में होती है। फकर जमा ने ही साल 2017 में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली थी जिसे भारतीय फैंस अभी तक नहीं भूल पाए हैं। और उसी पारी की वजह से टीम इंडिया 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हार गई थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में फकर जमा ने 114 रनों की धांसू पारी खेली थी और टीम इंडिया के फाइनल जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। उस खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया को 180 रनों की हार का सामना करना पड़ा था। कहीं फिर भारी ना पड़ जाए फकर जमा। अब रोहित शर्मा की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि कहीं फकर जमा एक बार फिर से टीम इंडिया पर भारी ना पड़ जाए। दरअसल 23 अक्टूबर को मेलबर्न के मैदान पर सबसे बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि ये मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच और ये T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जंग होने वाली है। ऐसे में इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। वैसे अगर भारत और पाकिस्तान की टीमों की बात करें तो इन दोनों ही टीमों ने अभी तक एक एक बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। भारत ने जहां साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, तो वहीं पाकिस्तान की टीम साल 2009 में T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी थी। और इन दोनों टीमों के मुकाबलों की बात की जाए तो अभी तक जब जब T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है तो सिर्फ एक बार पाकिस्तान की टीम ने जीत दर्ज की है, वो भी पिछले साल खेले गए साल 2021 के वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की थी जब पाकिस्तान की टीम ने भारत को 10 विकेट से करारी मार दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम कभी भी भारत को नहीं हरा पाई है और ये आंकड़े रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। वैसे अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले 23 अक्टूबर के मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार अपनी पिछली वर्ल्ड कप की हार का बदला पाकिस्तान से ले पाएगी? क्या रोहित शर्मा की टीम इंडिया बाबर आजम की पाकिस्तान को पस्त कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।